हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से। अल्लाह आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुम आमीन। सो ये फ्लोरिडा का डे वन ही चालू था, जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड करी थी वहीं से आगे से शुरू कर दी हूँ। और इतने दिन से मैंने व्लॉग नहीं एडिट कर सकी, सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग को मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा। फिर बस हम लोग थोड़ा ऊपर चले गए थे घर पर और ये स्पा का खोल दिए थे, और एमन इसमें माशाल्लाह इन्जॉय कर रही थी। फिर एमन ने इन्जॉय करी, फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट करके फिर कहाँ गए थे मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। ओके सॉरी, मैंने आप लोग को बोल दी डे वन नहीं था ये, डे टू था। डे वन तो हम लोग आए थे, आप लोग को मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर करी थी, उस दिन हम लोग ने आराम ही कर लिए थे। बस ये डे टू था और उसके बाद हम लोग ने सब इन्जॉय करे, थोड़ा एमन ने खेल ली, फिर उसके बाद हम लोग रेडी हो रहे थे। तो मैं यहाँ रेडी हो गई थी और थोड़ी सी इसी इंस्टा के लिए ले रही थी वीडियो, तो आप लोग से शेयर कर दी। और यहाँ बस हो रहा है, हम लोग की सब पैकिंग चालू थी क्योंकि बच्चे को एमन को लेके जाना होता था, तो उसकी सब चीज़ें रखनी होती थी, सब चीज़ें पैक करनी होती थी। तो यहाँ एमन को हुरेन ने कुछ करी थी तो बहुत रो रही थी एमन, फिर उसको हुरेन समझा रही थी, तो बस इसी में उसकी वीडियो ले ली थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ सब रेडी होके निकल ही रहे थे, शूज़ पहन रहे थे बच्चे लोग भी, और मैं एमन का सब चीज़ चेक कर रही थी कि सब चीज़ बराबर मैंने ले ली हूँ, ऐसा ना हो जाए कि भूल जाऊँ और वहाँ बहुत परेशानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये इसी क्लाइमेट में तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, लाइक फ्लोरिडा और कहीं भी मुझे तो लगता नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हुए। मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे लिफ्ट का, हम लोग के लाइक होटल में ही लिफ्ट भी थी, सो बस लिफ्ट का वेट कर रहे थे और यहाँ लिफ्ट में उतर रहे थे हम लोग और सब रेडी भी थे। और बच्चे लोग मुझे पूछ रहे थे कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, और मैं बच्चों को पूछ रही थी मैं कैसी लग रही हूँ। और बस यहाँ बच्चा नोमान स्ट्रोलर खोल रहा था एमन की, बंद कर रहा था। तो ये सेकंड डे था, जो सेकंड डे हम लोग गए थे, हम लोग कहाँ नहीं गए थे, लाइक सेकंड डे हम लोग की टिकट नहीं थी, हम लोग सेकंड डे जा रहे थे फ्लोरिडा का जो आउटलेट है, और हम लोग होटल के नज़दीक था, तो मिली चलो आउटलेट जाके आते, क्योंकि जब से यूएस आई हूँ आउटलेट में कभी गई नहीं हूँ और मुझे देखना था आउटलेट में, बोलते बहुत अच्छे प्राइजेस होते सब बड़े बड़े ब्रांड्स के, तो मैं बोली चलो जाके देखते। और हम लोग को क्योंकि नेक्स्ट डे की लाइक टिकट मिली थी, मुझे जहाँ जाना था सी वर्ल्ड, और हम लोग एक और एक जगह गए थे, वो कहाँ गए थे मैं आप लोग को मतलब लाइक अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊँगी, और सी वर्ल्ड में जो गई थी वो यही व्लॉग में आगे बताऊँगी, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने दोनों कंबाइन कर ली थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, लाइक मेरा वीडियो भी अभी बहुत लेट आता है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए तबीयत भी ठीक नहीं थी, इतने दिन से नहीं आया, तो मैं बोली चलो दो इसमें ही कंबाइन कर लूँ और वीडियो को वो कर लूँ, तो उसके लिए मैंने इसमें दोनों दिन का कंबाइन कर ली हूँ। तो यहाँ सब बड़े बड़े ब्रांड थे बट इतने कॉस्टली थे, लाइक क्योंकि कम प्राइस थे सब जगह से लेकिन फिर भी कॉस्टली थे। फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग घूमे, थोड़ा यहाँ बच्चे लोग की कैंडीज़ के उसमें आ गए थे एमन को कैंडी दिलाने के लिए, और ज़्यादा कोई अच्छी कैंडी नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग होटल में आ गए और ये होटल गए थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, शाम हो गई थी आते आते, क्योंकि थोड़ा घूमे फिरे और खाए पिए और आए, तो यहाँ शाम हो गई थी और शाम को कर रहे थे थोड़ा सा रिलैक्स होटल में, और ये व्यू मेरा सबसे बेस्ट था, इसके लिए मैं जब भी ज़्यादातर यहीं बैठ जाती थी। तो यहाँ जो पानी की आवाज़ आती थी वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं करी, रिलैक्स करी, फिर ये हो गया था नेक्स्ट डे। व्हाट यू आर टेलिंग? व्हाट? अबा इज देयर, अबा इज ऑन द स्विंग। गो, यू वांट टू गो टू स्विंग? कॉल अबा, कॉल अबा। तो आज है फ्लोरिडा में डे थ्री, और आज हम लोग जाने वाले इंशाल्लाह दोपहर में जाएंगे, 4-5 बजे तक निकलेंगे सी वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये टाइम पे तो निकल ही नहीं सकते, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो हम लोग थोड़ा रिलैक्स ही करते घर में, लाइक अभी उठे, ब्रेकफास्ट किए, थोड़ा अभी रिलैक्स कर रहे, अभी बजे आफ्टरनून में 1 बज गए हैं, तो अब इंशाल्लाह 4 बजे तक निकलेंगे सी वर्ल्ड आज जाएंगे, और कल कहाँ जाना है इंशाल्लाह देखते हैं, और कल जाएंगे यूनिवर्सल वर्ल्ड। अब डिज्नी का अभी तक कुछ हुआ नहीं हम लोगों का, क्योंकि डिज्नी फुल है, जहाँ हम लोगों को जो थीम पार्क जाना था वो फुल है, सो अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। और उसके बाद परसों इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म बैक टू होम है, सो जो भी होएगा मैं आप लोग से अपडेट करूँगी। आज इतने दिन बाद आप लोग से डायरेक्टली बात कर रही हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, आप लोग को मालूम होगा,
तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, आज कहाँ जाते हैं क्या नहीं आप लोग को सब अपडेट देती हूँ। और ये है आज का वेदर और क्लाइमेट। वैसे हम लोगों ने लाइक किया, मुझे बहुत अच्छा व्यू लगता है, ये वाला व्यू बहुत बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बैठने सुकून लगता है लाइक। और ये पूरा इधर जाली लगी हुई है, ये पूरी जाली है, सो ये पूरा पैक है, तो मतलब टेंशन ही नहीं है कि इंसान आराम से बाहर बैठ सकते हैं ना, तो जाली नहीं होती है तो फिर वो मच्छर का टेंशन है एवरीथिंग, मतलब लाइक अच्छे मैं आप लोग को जो बता चुकी हूँ ये गर्मी में होता है, सो ये जाली की वजह से माशाल्लाह ये सब टेंशन नहीं है, इसके लिए बच्चे लोग भी आराम से बैठते हैं, डरते और अभी मेरी हालत ऐसी ही है क्योंकि हम लोग फ्रेश नहीं हो रही हूँ मैं, सो जब फ्रेश हो गए जब इंशाल्लाह आप लोग से फिर मिलूंगी जब निकलना होगा, अभी तो थोड़ा रिलैक्स करने के टाइम है, इसके लिए थोड़ा इसी ही मोड में बैठे हुए हम लोग पूरे, इन बच्चे लोग भी इसी हाल में, और जब इंशाल्लाह तैयार होकर निकलेंगे फिर आप लोग से फिर मिलूंगी पूरे। और ये रही है मन भी इसी हाल में, whose goggles you take? You took Aman Unni goggles, no? Let it be. It's okay, it's okay. Okay, okay, okay. No have, no. She will give you. Okay. Okay, okay. Let it be. She's taking. अच्छा अच्छा. Okay, okay. Don't shout. तो मैं आप लोग से हाय हेलो नहीं कर सकी क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था और हम लोग रेडी हुए और हम लोग अभी नीचे उतर रहे थे, तो सबसे पहले तो हम लोग नीचे उतरे, पहले गए होटल में, लाइक होटल की जो रेस्टोरेंट थी उधर पिज़्ज़ा वीज़ा खाए, और वहाँ से हम लोग की बस थी, आज हम लोग सीवल जाने के लिए बस में जाने वाले थे, बट फिर फैसल बोले नहीं जान दे बच्चे लोग है, एमन भी हैरान हुएगी, फिर हम लोग ने उसके बाद उबर कर लिए थे, हम लोग कार लेके गए थे बट हम लोग कार में ज़्यादा राइड नहीं करते थे, हम लोग उबर में ही करते थे क्योंकि फैसल को भी रिलैक्स चाहिए था और आराम चाहिए था, इतने दिन बाद वो भी गए थे तो हम लोग इसके लिए आराम से उबर में ही जाते थे, तो हम लोग यहाँ भी होटल में लाइक होटल की रेस्टोरेंट है उधर आ गए थे, तो ये होटल का जो मेन लाउंज होता है जो रिसेप्शन होता है उधर ही उसके बैक साइड पे होटल बनी हुई थी, रेस्टोरेंट था स्विमिंग पूल और उसके पास ही, तो हम लोग यहीं आ गए थे और यहाँ हम लोग ने बच्चे लोग के लिए बच्चों को खाना था पिज़्ज़ा, तो फैसल बोले कुछ खा लेते फिर ही जाते और वहाँ कुछ और भी खा लेंगे, बट यहाँ भी थोड़ा क्योंकि बच्चे लोग भी भूखे हुए थे तो हम लोग यहाँ आए पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिए और पिज़्ज़ा वीज़ा खाए, उसके बाद हम लोग ने उबर करके फिर निकले थे। ये जो होटल बहुत अच्छी थी क्योंकि यहाँ रात को भी ना बहुत अच्छे से पार्टीज़ होती थी, सब होता था, बट हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि गर्मी इतनी थी कि दिल ही नहीं चाहता था, बस उसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा वीज़ा खाए और हम लोग यहाँ ऊबर में निकल चुके थे सीवर्ल्ड के लिए, और ये हम लोग की गलती हो गई थी कि हम लोग आफ्टरनून के 3:30-4 बजे निकले क्योंकि वो टाइम पर बहुत ओवरडोज की गर्मी थी, लाइक वहाँ हीट अलर्ट लिखा हुआ था, हम लोग सीवल गए तो वहाँ हीट अलर्ट का इतना बड़ा बोर्ड था कि हीट अलर्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मतलब लाइक बोलते ना डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन और गर्मी की वजह से कई लोग को चक्कर आ रही थी ऐसा हो रहा था वहाँ, तो इसके लिए उन लोग ने हीट अलर्ट पहले ही से लगाए थे, और इतना इतना चल के जाना था, गेट बहुत आगे था लेकिन हम लोग उतना पूरा चल के आए और यहाँ से पार्क एंट्रेंस शुरू हो रहा था अभी, लाइक पार्क एंट्रेंस शुरू भी नहीं हुआ था सो यहीं से शुरू हो रहा था, हाँ हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे टिकट शो करने का, फिर यहाँ से एंट्रेंस शुरू हुआ क्योंकि यहाँ वॉकिंग सी बहुत ज़्यादा है, मतलब सी वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बहुत वॉकिंग है, और यूनिवर्सल वर्ल्ड हर जगह यहाँ इतनी बड़ी है कि यहाँ वॉकिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो हिसाब से यहाँ ठंडी में आओ तो वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ठंडी में इंसान थोड़ा लाइक कवर कर सकता है अपने आप को, बट गर्मी में तो ओवर हो जाता है। और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो बच्चों के कपड़े, और हम लोग ने खास तौर पे मैंने आप लोग को बताई थी कि हम लोग ने शॉपिंग किए थे, तो हम लोग ने गर्मियों के कपड़े ज़्यादातर लेने के लिए ही खास शॉपिंग किए थे, तो बस अभी ये सबसे पहले हम लोग अंदर घुसे और ये बच्चे लोग का सब चॉइस होता है तो इधर आ गए थे, तो यहाँ देखिए फिर उसके बाद आगे हम लोग निकल चुके थे, तो चलो आप लोग भी घूमते रहो। ओके सो यहाँ हर जगह हर टूरिस्ट जो प्लेस थी फ्लोरिडा में उधर अपने अपने एक स्टोर बने हुए रहते जहाँ हर चीज़ जो स्टोर के लाइक जो जगह है उसके मुताबिक होती है, टॉयज़ और कपड़े, सो सी वर्ल्ड में सी वर्ल्ड का बना हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे टॉयज़ कपड़े हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती, हम लोग ने कुछ लिए नहीं बट हम लोग स्टोर का विजिट ज़रूर करते थे, पर्स मतलब लाइक
हर वो ब्रांड की मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, लाइक सी वर्ल्ड में गए तो सी वर्ल्ड की सब चीज़ें थी, और यूनिवर्सल वर्ल्ड में गए तो वहाँ की सब चीज़ें थी वो ब्रांड की, लाइक पर्स, कपड़े और बच्चों के टॉयज़, बहुत अच्छा लग रहा था। बट ज़्यादा कॉस्टली थे तो हम लोग लिए नहीं थे, और यहाँ हम लोग ने ले लिए थे पेप्सी और कोक, क्योंकि पेप्सी और कोक तो बहुत ज़रूरी है इसी जगहों पर। तो यहाँ फैसल देख रहे थे एमन के लिए फ़ैन, जो ये फ़ैन थे ऐसे फ़ैन बने हुए थे छोटे छोटे बच्चों के लिए, बट बहुत कॉस्टली थे, फिर भी हम लोग ने ले लिए क्योंकि एमन बहुत रो रही थी। कुछ हम लोग को $25 का शायद इतना सा छोटा सा प्लास्टिक का फ़ैन जैसा मिला था, वो मैं आप लोग को आगे बताऊँगी। तो उससे थोड़ा एमन को ठंडक हुई, तो एमन माशाल्लाह फिर बैठी, क्योंकि बहुत गर्मी थी और बच्चे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, एकदम हद से ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ बस बच्चे लोग थोड़ी सी वीडियोज़ ले रहे थे। यहाँ लाइक फ़िश का सी वर्ल्ड था तो मच्छियाँ तो होना ज़रूरी है, तो फ़िश का थोड़ा एक्वेरियम जैसा भी बना हुआ था। तो अभी हम लोग यहाँ ये जा रहे थे, ये एक्वेरियम जैसा ही था। तो यहाँ हम लोग अंदर आए तो एमन ने डायरेक्ट लाइक वो सामने फिशेस ऐसा शेड में देखी तो डर गई और रोने लग गई थी, तो फिर उसको हम लोग ने गोद में ले लिए थे। फैसल ने थोड़ी देर के लिए, उसको ऐसा लगा कि कहाँ अचानक आ गए, क्योंकि हम लोग उसको पीछे थे और उसके आगे थी, और डायरेक्ट उसने फ़िश को देख ली तो घबरा गई थी। तो बस उसको अभी फैसल यहाँ से उतार रहे थे, फिर अपना आगे चलते हैं। और आज आप लोग को मेरी आवाज़ बहुत गंदी लग रही होगी, बट चला लेना क्योंकि आज मेरी आवाज़ बहुत बैठी हुई है, क्योंकि सर्दी हो चुकी है। मैं बोली आप लोग को तबीयत 1 वीक से मेरी ठीक नहीं है, तो अब मैं बोली आज तो वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा, भले कैसी भी आवाज़ है। इसके लिए मैंने आज कर ली क्योंकि बहुत दिन हो गया था। तो बस हम लोग यहाँ थोड़ा घूमे, मच्छी वच्छी की थोड़ी वीडियो निकाले, फिर थोड़ा घूम के फिर बाहर आ गए थे वापस से। तो बाहर भी यहाँ से थोड़े छोटे छोटे लेक्स बने हुए थे और बहुत सारे झूले थे। लाइक सी वर्ल्ड में उन लोगों का काम है जो झूलों पे बैठते हैं, बड़े बड़े राइड्स थे यहाँ, और हम लोग तो बैठते नहीं है, नोमान उरेन बैठते, बट उन लोगों के लिए भी मतलब राइड के लिए इतना वन एक घंटे की लाइक वो थी, वेटिंग थी। तो राइड पे तो लोग नहीं बैठ सके, बट एक जगह बैठे थे, वो मैं आप लोग को आगे बताती हूँ, क्योंकि वो जो था ना लाइक लिफ्ट जैसा था, उससे पूरा फ्लोरिडा दिखता था वैसा था। तो बच्चे लोग ने वहाँ की वीडियो लिए, और यहाँ थोड़ा ऐसा लेक बना हुआ था, तो यहाँ हम लोग थोड़ा ऐसा आके बैठे, और फिर बस नोमान उरेन अपना चले गए थे, और मैं और फैसल एमन अलग थे। नोमान उरेन अपना घूम रहे थे अकेले अकेले, बच्चे लोग भी माशाल्लाह अभी बड़े हो गए तो इतना टेंशन नहीं होता है, तो दोनों साथ में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे थे। और मैं, फैसल और एमन बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसके लिए हम लोग एक जगह थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। और ये वाला फ़ैन था मैं आप लोग को जो बोल रही थी, तो यहाँ मैं नीचू बैठ गई थी, इतना थक गई थी और पसीने पसीने में हो गई थी। और मैंने आप लोग को जो बताई वो फ़ैन, वो इतना छोटा सा फ़ैन था, सिर्फ उसको इसे ही लाइक उसको स्प्रे करना था, और उसमें थोड़ा फ़ैन भी हो रहा था और थोड़ा पानी भी स्प्रे हो रहा था बच्चे लोग को, तो ठंडक लग रही थी, तो बच्चे उससे खुश हो रहे थे। और एमन भी माशाल्लाह थोड़ा सा खुश थी और थोड़ा उसको रिलैक्स लग रहा था, हवा आ रही थी। तो ओके, सो हम लोग अभी यहाँ आ गए थे और यहाँ डांस चालू था। तो यहाँ वो डांस देख के एमन थोड़ा डर गई थी, तो हम लोग फिर पीछे आ गए थे। ओके, ये बच्चे लोग ने थोड़ी वीडियो लिए थे, वो मैं आप लोग से शेयर कर रही थी। ये कुछ सी वर्ल्ड में अटलांटिस करके है, तो वहाँ की लोग ने वीडियो लिए थे, वो मैं बोली ना आप लोग को इतना बड़ा था कि हम लोग तो पूरा घूमे ही नहीं, बच्चे थोड़ा घूमे, तो बच्चे लोग ने ये सब वीडियो लिए थे, तो मैं बोली आप लोग से शेयर कर दूँ। और ये ऐसा अटलांटिस के अंदर ऐसा कुछ बना हुआ था, ऐसा लाइक पता नहीं क्या था, ये पूरा पत्थर का बना हुआ था। तो नोमान उरेन गए थे तो वीडियो ले लिए थे, और उसके बाद ये थोड़े से लेक बने हुए थे, उसके अंदर कुछ फिशेस थी, तो ये फ़िश को क्या बोलते, कौन सी फ़िश है मुझे नहीं पता है, सॉरी आप लोग को पता होगा। तो ये फ़िश का नोमान ने ले लिया था, और ये वो लिफ्ट जैसा थी जो बहुत बड़ा बना हुआ था, लिफ्ट जैसा नहीं था, बहुत बड़ा था, तो ये पूरा ऊपर टॉप पे जा रहा था जिससे पूरा फ्लोरिडा दिख रहा था। तो ये बच्चे लोग ने वीडियो लिए, तो उन लोगों को बराबर लेने नहीं आया, बट फिर भी मैंने आप लोग से शेयर कर दी कि आप लोग को थोड़ी सी आइडिया हो जाएगी। सो ये पूरा ऊपर टॉप पे जाता है बहुत ज़्यादा, तो बस बच्चों ने ये वीडियो ले लिए, फिर बच्चे भी माशाल्लाह आ गए थे, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बैठ गए थे होटल में। ओके, सो ये हम लोग की कुछ पिक्चर्स थी। ओके, सो गाइस, अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, और जिन जिनों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।